जी बेटा, टुडे वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। इसमें बेटा आपके पास क्या दिया गया, वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। इट इज गिवन दैट वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, मीन वी एंड डब्ल्यू आर द वैक्टर्स बट सी इज द कॉन्स्टेंट। सो सी इज लेस देन जीरो, मे पॉसिबल लेस देन जीरो और मे पॉसिबल ग्रेटर देन जीरो। यानी सी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी आपके पास पॉसिबिलिटी है, दोनों सूरतों में है। देन वी हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ दैट वन। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट में कहा गया, फाइंड द टू वेक्टर्स, मीन दैट फाइंड द टू वेक्टर्स हुज लेंथ इज इक्वल टू टू, जिसकी लेंथ हमारे पास टू होनी चाहिए और वेक्टर वी इज गिवन दैट वन। अब आपके पास लेंथ टू कहे या आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे उसने कहा था कि मैग्नीट्यूड टू हो या मैग्नीट्यूड फोर हो, मीनिंग सेम है। कि मीन क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में इसको सॉल्व किया था, तो कैसे सॉल्व किया था, हमने कहा था फाइंड अ वेक्टर आपके पास हुज मैग्नीट्यूड टू पैरेलल टू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर देन मल्टीप्लाई बाय टू, राइट। हियर भी आपने आप सेम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड देन यूनिट वेक्टर। बट व्हाट इज द चेंज, ही सेड दैट हुज लेंथ टू होनी चाहिए और टू वेक्टर्स होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ठीक, बिकॉज दैट इज लेंथ इज टू, तो आपके पास यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे एक उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के साथ। मीन्स दैट नेगेटिव वेक्टर भी सेम होता है, इक्वल टू लेंथ सेम होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, क्योंकि उसने लेंथ टू कही है। हमें ये नहीं कहा कि किस डायरेक्शन के अंदर। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, इफ फजेरा टू दुबई का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो दुबई टू फजेरा भी 100 किलोमीटर होगा, लेकिन वेक्टर्स दोनों की लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे इजीली। हाँ, इसका क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दैट फाइंड अ कॉन्स्टेंट अल्फा आर ए एज यू फाइंड सो दैट द वेक्टर वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। अजान आ रही है, बाकी अजान के बाद। जी बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट सॉल्व करते हैं। जो आपके पास फाइंड ए हमें करना है, द वैल्यू ऑफ वी इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज ऑल्सो गिवन एंड हाउ टू सॉल्व। हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता दिया गया है कि वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, जबकि वी एंड डब्ल्यू आर द वैक्टर्स। सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो वी हमारे पास क्या है बेटा, आई माइनस 3j प्लस 4k, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी वैक्टर नोटेशन के साथ। सी हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, उसके अंदर हम उसकी वैक्टर नोटेशन नहीं लगाएंगे। और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है, ए आई प्लस 9j माइनस 12k, इक्वल साइन है। तो वही हमें कंपेयर करना पड़ेगा। वी विल कंपेयर दैट, बट बिफोर कंपेयरिंग व्हाट वी हैव टू डू दैट वन, बिफोर कंपेयरिंग वी हैव टू मेक अ सिंगल, और यू हैव टू मेक ओपन द ब्रैकेट। सो ए सी आपके पास आ जाएगा, ए सी आई प्लस 9cj, फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 12c माइनस 12 CK, ठीक है। और इधर आपके पास वही है जैसे आपके पास पहले लिखा था, आई माइनस 3j प्लस 4k। वट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर आई कंपोनेंट इज इक्वल टू आई एंड जे कंपोनेंट इज इक्वल टू जे एंड के कंपोनेंट इज इक्वल टू के। यहाँ पे आई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 1, तो हम एक लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू ए सी। एक क्वेश्चन हमारे पास बन गई ये। जे कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास 9c, ये आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, आपके पास 4 इज इक्वल टू माइनस 12c, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। सेकेंड और वन, फर्स्ट और सेकेंड का यूज़ करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास
फर्स्ट और थर्ड का यूज करें तब भी हम कर सकते हैं। आप ये देखें, हमें सी की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, हम यहां से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से या यहां से क्वेश्चन नंबर टू या थ्री से, वो आके यहाँ पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो अब यहां से हम क्या फाइंड करते हैं, वहां से करते हैं, हम इक्वेशन नंबर टू से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू आपके पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू -3/9 इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दैट इज -1/3। ठीक है, जब ये -1/3 हमारे पास वैल्यू आ गई है, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू हमें चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए हमें इसकी, ए की। पुट इन इक्वेशन नंबर वन, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन। जब इक्वेशन वन में हम पुट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन वन में पुट करने के लिए इधर से हम यहाँ शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। तो इक्वेशन वन में जब पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वन इज इक्वल टू आपके पास ए, वैसे इसकी जगह उसकी वैल्यू -1/3। इधर अगर -1/3 है तो इधर जाके आपके पास ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। गुड, तो पहले आप इस 3 को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 3 इज इक्वल टू, आप इसे लिख दें बेशक -a, फिर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। दैट इज अवर आंसर, क्योंकि हमें ए की वैल्यू ही निकालनी थी, और ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ी। पहले सी की निकाली, फिर हमने ए की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से इसका हम अब सॉल्व करते हैं एक और पार्ट, वो आपके पास है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, सी पार्ट, सी और डी। डी के अंदर हमें दो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास जो इसका सी पार्ट है वो रिलेटेड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट के साथ, उसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। वहां पे कहता है फाइंड अ वेक्टर ए लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस। मैंने जैसे आपके पास पहले पार्ट में बताया था कि लेंथ 2 है, तो हमने पहले क्या करना है उसका बेटा, पहले उसका निकालने यूनिट वेक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय उधर -2 और 2 दोनों से किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने यहां पे उसने लेंथ या मैग्नीट्यूड ए की बात है, और यहां पर भी सी पार्ट में क्या कहता है, फाइंड अ वेक्टर लेंथ 5, लेकिन एक बात साथ में ये कहिए अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर, देन मल्टीप्लाई बाय -5। किसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद वो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ अलबत्ता इसका जो डी पार्ट है वो मैं आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ। वहां पे अभी हमने सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड की है, डी पार्ट के अंदर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। और जबकि हमारे पास वेक्टर वी और डब्ल्यू हमारे पास दिया गया है कि वेक्टर 3i-j+4k और एंड ai+bj-2k आर पैरेलल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मल्टीपल ऑफ ईच अदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका डी पार्ट, आपके पास वी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसे कह सकते हैं कि लेट वी, क्योंकि पैरेलल कहा उसने पहले के, लेट वी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3i-j+4k, 3i-j+4k, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ai+bj एंड -2k। बेटा अगर वो हमारे पास सिर्फ पहले वाला पूरा ना दे, सिर्फ ये वाला भी दे, तब भी जब पैरेलल का वर्ड यूज करेगा तो हम इसमें इजीली लिख सकते हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑफ ईच अदर होता है। जैसे मैंने आपके पास क्वेश्चन नंबर इसमें बताया है कि उसने क्वेश्चन नंबर 8 में ये बात की है ना, नो 9 में यही बात की है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैंने कहा ए बी और सी डी निकाल के आप उसका उसमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। और वहां पे जब सी डी करते हैं तो सी डी में आपको 3 कॉमन लेना पड़ता है, तो आपके पास सेम सेम हो जाता है। अब यहां पर भी पहले हम वी की वैल्यू पुट करते हैं, वी की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, 3i-j+4k वेक्टर नोटेशन। सी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ai+bj
एंड माइनस टू के, ब्रैकेट ओपन, ए सी आई प्लस बी सी जे माइनस टू सी के, थ्री आई माइनस जे प्लस फोर के, सेम इक्वल साइन है, पैरेलल वेक्टर हैं, तो वही आपके पास जैसे तीन इक्वेशनें बनाई थी, अब दोबारा थ्री इक्वेशंस बनाएंगे, आपके पास i कंपोनेंट इज इक्वल टू i, सो यू विल राइट दैट 3 इज इक्वल टू ac, ये हमारे पास कोई भी उसमें से वो नहीं है, वेक्टर नहीं है, तो बस आप कोई नोटेशन नहीं डालें, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपके पास इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में j कंपोनेंट को कर लेते हैं, आपके पास फिर उधर बाकी पोर्शन वहां सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। माइनस वन लिखेंगे, क्योंकि जे कंपोनेंट के कोफिशियंट की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास बी सी, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। के कंपोनेंट में क्या है, फोर इज इक्वल टू आपके पास माइनस टू सी, जहां से पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके सी की वैल्यू निकालेंगे, जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो देन वी कैन फाइंड इजीली वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जबकि हमारे पास उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यही कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बेटा हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू सॉल्व दैट फ्रॉम इक्वेशन 3, आपके पास 4 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू सी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, the value of c is equal to minus 2, c की वैल्यू आ गई माइनस टू। अभी यही वैल्यू को उठा के हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पुट द वैल्यू ऑफ c in equation 1 and equation 2। जब आप e की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 3 is equal to a, वैसे c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ ब्रैकेट डाल के माइनस टू लिखेंगे, डोंट मेक अ मिस्टेक, अगर a माइनस टू लिख दिया तो फिर उस तरफ जाके प्लस करेंगे, मिस्टेक हो जाएगी, सो यू हैव टू यूज द ब्रैकेट बिकॉज a एंड c आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, तो आपके पास ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस टू इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ओवर टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। आफ्टर दैट बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने पहले कहा है कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट भी करते हैं, तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास बी सी है, तो बी आपके पास रहेगा वैसे, और सी की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस टू, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो माइनस वन ओवर माइनस टू, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर 2, इस तरह से हमारे पास ये b की वैल्यू भी आ गई, a b और c। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, इसके चार पार्ट हैं, अक्सर पेपर के अंदर आ जाते हैं, तो आपने इसको लाजिम प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर सेम। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जी बेटा, ये आपके पास नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द सिंगल वेक्टर, कि सिंगल वेक्टर के अंदर है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, फर्स्ट पार्ट में 45 डिग्री 60 डिग्री, सेकंड में 30 45 60 और थर्ड में 45 60 60। इसके लिए बेटा आपके पास फार्मूला यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, इसके पिछले पेज पे पेज नंबर 341 के ऊपर देखें कि ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जिसका रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आए, तो इसे हम कहते हैं सिंगल वेक्टर के अंदर, हमारे पास ये फार्मूला हम यूज करेंगे, और जो हमें आंसर 1 देगा उसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू सिंगल वेक्टर, और जो हमें आंसर 1 नहीं देगा हम उसे कह देंगे दैट इज नॉट इक्वल टू सिंगल वेक्टर, और वो जो आंसर 1 आता है वो आंसर 1 सिर्फ इस थर्ड पार्ट का आता है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट चूज मैं करता हूं सॉल्व करने के लिए, बाकी ये दो पार्ट आप सॉल्व कीजिएगा। अब आपके पास थर्ड पार्ट के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं, वो हमारे पास क्या दी गई हैं बेटा, थर्ड पार्ट के अंदर द वैल्यूज आर गिवन दैट 45 डिग्री
एंड फिर 60 डिग्री एंड देन अगेन 60 डिग्री. हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 एंड बीटा इज इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू आल्सो 60 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास फार्मूला क्या है जो हमें प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी इधर नहीं स्क्वायर आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. ठीक है, हमें ये 1 प्रूव जिसका होगा वो हमारे पास होगा. हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जब आपने ली तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गैमा की भी आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री. कॉस स्क्वायर 45 आपने इसकी वजह स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिया, इसका भी मैंने स्क्वायर डाल दिया. इसकी वैल्यूज को पुट करना, वैल्यूज अगर आपके पास जबानी आपको याद ना हो तो यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर इस कैलकुलेटर पे आपके पास आ जाती हैं. कॉस आपके पास 45 जब आप पुट करते हैं तो यहाँ वो आंसर दे रहा है 2√2. 2√2 को आपने क्या लिखना है बेटा, 1/√2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल डिनोमिनेटर में थर्ड ये खत्म करके आपको बताता है. ठीक है, तो आपने 1/√2 लिखना है. इसी तरह से आपके पास जब 60 की वैल्यू हम लेते हैं वो तो 1/√2 से सिंपल दे दी है, तो हमें जरूरत नहीं है कुछ और उसके साथ छेड़खानी करने की. ठीक है, अब आपके पास सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस आपके पास 1/4. एलसीएम अगर निकाल देंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये 2 2s are 4, 2 plus 1 plus 1 दैट इज इक्वल टू 4/4. तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. जैसा कि उसने हमसे कहा था कि विच इज इक्वल टू सिंगल वेक्टर, तो मैंने आपसे कहा था सिर्फ इसका थर्ड पार्ट है जो आपको वैल्यू 1 देता है, बाकी पार्ट इसकी वैल्यू 1 नहीं देते. इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है. इंशाल्लाह पहले आप मुझे इसका टेस्ट दें, फिर उसके बाद हम आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.